हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2024 सेशन के लिए सीएसआईआर सीडीआरआई को एक ऑप्शन में चुना हुआ था सीएसआईआर के फॉर्म में, तो सीडीआरआई ने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसको चेक करने के लिए आपको सीडीआरआई की वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद स्क्रोल करते हुए नीचे की तरफ मूव करना है। जब आप यहाँ नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको दिख रहा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर सीएसआईआर सीडीआरआई एसीएसआई पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2024। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से ये पीडीएफ दिखाई देगा, तो इसको चलिए डिटेल में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर मेंशन किया गया है कि केमिकल साइंस के स्टूडेंट, तो केमिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर जो है यहाँ पर टोटल 122 है। उसके बाद में जो सेकेंड लिस्ट है उसमें मेंशन किया गया है बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट, तो सबसे पहले नंबर सीरियल नंबर, फिर एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये मेंशन किया गया है। तो बायोलॉजिकल साइंस में टोटल 440 के अराउंड जो है वो स्टूडेंट है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट का यहाँ पर 440 दिया हुआ है, तो यानी कि कंपटीशन अच्छा खासा है। टोटल यहाँ पे 60 के अराउंड स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और वो आप यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू हैज़ टू अपियर फॉर इंटरव्यू इन फिजिकल मोड एट सीएसआईआर सीडीआरआई, यानी कि ऑनलाइन मोड का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपको इंटरव्यू देने के लिए सीएसआईआर सीडीआरआई पर आना ही होगा। द डेट ऑफ फिजिकल इंटरव्यू फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज वुड बी टेंटेटिवली ऑन जून 14 एंड केमिकल साइंसेज कैंडिडेट वुड बी टेंटेटिवली ऑन द 13। तो यानी कि 14 जून को जो बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट है उनका है और जो 13 जून है उनका केमिकल साइंसेज के स्टूडेंट का है। तो आप इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए इंटरव्यू के लिए। कुछ और पॉइंट्स जरा हम देख लेते हैं। तो ऑल द डिटेल रिलेटेड टू द डेट टाइम ऑफ द इंटरव्यू एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेट टू द कैंडिडेट इंडिविजुअली थ्रू ईमेल शॉर्टली। तो ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया टेंटेटिवली, जो कन्फर्म डेट होगी वो आपको मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं और किस डेट पर आपको आना है, वो सब आपके ईमेल जो आ जाएगा आपके पास उसमें सब मेंशन किया रहेगा। कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड एंड टेनेबल नेशनल लेवल फेलोशिप सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन ऑल केसेस। आपके पास में कोई एक नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए और जो आपकी फेलोशिप है जिस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर वैलिडिटी नहीं है तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है वो नहीं मिल पाएगी। एनी एप्लीकेंट हु फुलफिल द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव बट हिज हर नेम डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू मे कम्युनिकेट टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एट द फॉलोइंग ईमेल आईडी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका क्राइटेरिया तो फिल किया हुआ है, जैसे मान लो उनके पास वैलिड फेलोशिप भी है और जो भी इन्होंने मेंशन किया था वो सब कुछ है, लेकिन उनका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में नाम नहीं आया है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है कोऑर्डिनेटर का, इस पर आप मेल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है कि आपका नाम नहीं आया है लिस्ट में वो आप उनको बता सकते हैं और ये काम आपको 30 मई से पहले पहले कर देना है। इसके बाद अगर आप करेंगे तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ऑल शॉर्ट लिस्टिंग सेलेक्शन ETC वुड बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इन केस ऑफ एनी डिफिशियंसी डिस्क्रिपेंसी ऑफ एनी टाइप इन डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट वुड ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल्स एनी टाइम ऑन द फाइंडिंग सच ए डिफिशियंसी। अगर हो सकता है कि जैसे आपने मान लो जो भी यहाँ पर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है फॉर्म में, वो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के दौरान अगर आपका वहाँ पर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है या कुछ भी कमी पाई जा रही है तो वो आपका जो आपका क्लेम है कि हाँ आप शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वो उसको कैंसिल कर देंगे और आपको इंटरव्यू देने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो आप एक बार श्योर हो जाइए कि जो भी आपने एलिजिबिलिटी यहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम भरा हुआ है वो आपकी सही होनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और देख लीजिए कि ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाकर के आप अपना नाम इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका शॉर्ट लिस्टेड में नाम है और जो CDRI में इंटरव्यू ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मैसेज कर दीजिएगा, तो एक हम लोग मॉक टेस्ट टाइप का इंटरव्यू से पहले कर लेंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि 20 स्टूडेंट के अराउंड मॉक टेस्ट में ज्वाइन किए थे, उसमें से 60 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तो आप भी इस बार ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका भी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद में जो भी प्रोसेस है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।